हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं दुर्गेश जायसवाल, मेरे यूट्यूब चैनल इलेनिंग दुर्गेश में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक सीरीज शुरू किए हैं जिसमें हम केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करते हैं, जहाँ पे से परीक्षा में कोई भी परीक्षा हो, यदि सामान्य अध्ययन हो, तो वहाँ से एक आध प्रश्न जरूर पूछे जाए। आज जो हमने शुरू की, आज जो हमने टॉपिक लिया है वह है राजचिन्ह। राजचिन्ह में क्या है? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ का जो राजकीय चिन्ह है, उस टॉपिक को लेकर हम वहाँ से आने वाले सभी प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। आते हैं, देखते हैं जो भारत का राज चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया है। सारनाथ स्थित क्या है? अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। माने जो भारत का राज चिन्ह है वो सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अशोक के सिंह स्तंभ से। कहाँ पे है ये सारनाथ में। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। मूल स्तंभ में चार सिंह है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो मूल स्तंभ है वहां पे कुल कितने सिंह हैं, वहां पे जो सिंहों की संख्या है वो कितनी है, यहाँ पे चार है, जिसमें से केवल तीन सिंह ही दिखाई पड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें से केवल तीन सिंह ही दिखाई पड़ते हैं, चौथा दिखाई नहीं देता क्योंकि चौथा ठीक उसके पीछे होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम आप देख पा रहे एक सिंह, दो सिंह और तीन सिंह दिखाई दे रहा है, लेकिन चौथा सिंह जो होता है वो क्या होता है, ठीक उसके पीछे होता है, इसलिए हम उन सिंहों को नहीं देख पाते, हम केवल तीन सिंह ही देख पाते हैं। अब देखते हैं जो सिंह है, जो ये सिंह अर्थात शेर है, इस साहस व निर्भीकता का प्रतीक किसका है? साहस और निर्भीकता का प्रतीक, मतलब निर्भय रहने का एक प्रतीक है वो सिंह है, जो चार सिंह का बना हुआ है। पट्टी के मध्य में धर्म चक्र, ध्यान दीजिएगा, पट्टी के मध्य में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है, धर्म चक्र है। क्या है? धर्म चक्र, जिसका चक्र का अर्थ संस्कृत में पहिया होता है। ध्यान दीजिएगा, जो चक्र है इसका अर्थ क्या है, संस्कृत में पहिया होगा। क्या होगा? पहिया होगा। किसी बार बार दोहराने वाली प्रक्रिया को भी चक्र कहते हैं। किसी बार बार दोहराने वाली जो प्रक्रिया होती है उसे भी क्या कहते हैं, चक्र के नाम से जानते हैं, उसे भी क्या कहते हैं, हम चक्र कहते हैं। चक्र में 24 तीलियां हैं, जो कि 24 घंटों का प्रतीक है। कितनी तीलियां हैं इसमें? 24 तीलियां हैं, जो 24 घंटों का प्रतीक है। माने ये 24 जो तीलियां हैं ये 24 घंटे का प्रतीक है। किसके? 24 घंटे की प्रतीक है। अब आगे अगर देखें हम तो इन चक्र की जो 24 तीलियां, 24 घंटे का प्रतीक है, इसी धर्म चक्र को राष्ट्रीय ध्वज के बीच के सफेद पट्टी में रखा गया है। इसका रंग गहरा नीला है, इसे नेवी ब्लू के नाम से भी जानते हैं। ये जो हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके मध्य में, जो ये राष्ट्रीय ध्वज है उसके मध्य में जो चक्र है वह यहीं से अशोक स्तंभ से लिया गया है, जो नेवी ब्लू कलर का है और जिसमें 24 तीलियां हैं, जो 24 घंटे लगातार प्रगति के चिन्ह का सबसे बड़ा घोतक है। यह चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ये जो चिन्ह है ये 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं आगे। ठीक है, उसके आगे पढ़ते हैं, लेकिन उसके आगे पढ़ने से पहले कुछ बातें जान लेते हैं। देखिए, इसकी जो पीडीएफ है आपको यह हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जहाँ पे आपको सर्च करना है। टेलीग्राम ऐप पे इंस्टॉल करिएगा और सर्च करिएगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस दे सर्च क्या करना है आपको, दुर्गेश सर, DURGESH। जैसे दुर्गेश सर आप सर्च करेंगे बिना स्पेस दिए, वैसे आपको ई लर्निंग भी दुर्गेश आ जाएगा। ई लर्निंग भी दुर्गेश पे आप जुड़ जाइएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह ई लर्निंग भी दुर्गेश है, वहाँ पे आप सभी को मिल जाएगा। ठीक है, उसी के साथ साथ यदि आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है, उसके लिए 6306344367 पर आपको कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सभी साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा ये पहुंच सके। ठीक है, तो आइए अब हम लोग अपने अध्ययन अध्यापन कार्य को और आगे बढ़ाते हैं। और इसी में हम लोगों ने देखा कि चक्र के दाई ओर एक साढ़ है। चक्र के दाई ओर क्या है? एक साढ़ है। क्या है? एक साढ़ देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक साढ़ है। चक्र के जो दाई ओर एक साढ़ है, ये क्या है? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। जो ये साढ़ है वह कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का क्या है? एक प्रतीक है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का एक प्रतीक है। चक्र के बाईं ओर एक घोड़ा है, देख रहे हैं, चक्र के बाईं ओर क्या है? घोड़ा है। अदम्य शक्ति, परिश्रम व गतिशीलता का प्रतीक है। कौन? यह घोड़ा। जो घोड़ा, ये अदम्य शक्ति, परिश्रम, गतिशीलता का प्रतीक है। तो याद रखिएगा, घोड़ा अदम्य शक्ति, परिश्रम, गतिशीलता का प्रतीक है। फलक के नीचे मुंडो उपनिषद का सूत्र
सत्यमेव जयते, जो देवनागरी लिपि में लिखा गया, यहाँ पे दिख नहीं रहा है लेकिन यहाँ पे लिखा गया है सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। यह अथर्ववेद से लिया गया है। ध्यान दीजिएगा यहाँ से कितने प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडुक निषद से लिया गया है। पहला, सत्यमेव जयते किस भाषा में लिखा गया है? देवनागरी लिपि में लिखा गया है। इसका अर्थ क्या होता है? सत्य की ही विजय होती है। अगला प्रश्न, यह किस वेद से लिया गया है? यह अथर्ववेद से लिया गया है। यहाँ पे एक प्रश्न, दो प्रश्न, तीन प्रश्न, चार और पांच प्रश्न आपके दो ही लाइन में तैयार हो जाते हैं। ठीक है, इसे आप सभी को शेयर भी कर दीजिएगा। फिर देते हैं राज चिन्ह का रंग। राज चिन्ह का रंग देखते हैं। शासकीय कार्यों में प्रयोग में लाए जाने वाले राज चिन्ह अलग अलग रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? अलग अलग रंग के होते हैं। देखिए, नीला जो राजचिन्ह होता है ये भारत के मंत्रियों द्वारा उपयोग किया, ध्यान दीजिएगा, जो नीला राजचिन्ह होता है ये भारत के मंत्रियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जबकि लाल राजचिन्ह ये राज्यसभा के सदस्यों अधिकारियों द्वारा, लाल राज्यसभा, नीला मंत्रियों द्वारा, हरा चिन्ह ये लोकसभा के सदस्यों द्वारा, नीला जो है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लोग सबसे पहले नीला देखते हैं, ये भारत के मंत्रियों के लिए उपयोग किया जाता है। अगर हम लाल की बात करें तो जो लाल चिन्ह है यह राज्यसभा के सदस्यों व अधिकारियों द्वारा, जबकि यदि हरे की बात करें हम तो हरा जो चिन्ह है वो किसके द्वारा? ये लोकसभा के सदस्यों के द्वारा उपयोग किया जाता है। जबकि यदि विशेष सरकारी भवन जिन पर राजचिन्ह का उपयोग किया जाता है, इसमें राष्ट्रपति, संसद भवन, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, विधानसभा आदि आती है, उसमें अलग अलग इस राज चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो हमें देखने को मिला, नीला बाद मंत्रियों द्वारा, लाल राज्यसभा, लाल से राज्यसभा, हरा से लोकसभा। ये हो गया आपका महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह जो हमने आपको पूरी तरह समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी और आप भी इसे पूरी तरह से एक बार दोहरा लीजिएगा। यदि फिर भी कोई समस्या रहती है तो फिर हम आपसे उस समस्या को खत्म करने का पूरा प्रयास करेंगे। इस वीडियो को सभी साथियों को अपने शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और अगर आप इसकी आपको स्क्रीनशॉट चाहिए, इसकी स्क्रीनशॉट भी अपने पास रख सकते हैं और आप चाहें तो इसे सभी साथियों को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में आपको प्रश्न मिलते रहेंगे, यहाँ से एक प्रश्न किसी परीक्षा में आसानी से आपको मिल जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को एक तरीके से तैयार कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिख लीजिएगा और साथ ही साथ इसे सभी साथियों को पहुँचा के शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।